हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय हनीमून शॉपिंग हॉल। कुछ दिनों में हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, तो वही मैं शेयर करूँगी। बाय द वे, ये सिर्फ क्लोथिंग शॉपिंग है जो मैंने क्लोथिंग एंड शूज़ जो मैंने परचेज़ किए हैं, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ परचेज़ किए हैं जैसे मेकअप, ज्वेलरी, टेक आइटम्स व्लॉगिंग के लिए। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मैं अलग से किसी वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारे आइटम्स हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा अगर मैं उन प्रोडक्ट्स को भी इस वीडियो में इंक्लूड करूँ तो। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम Amazon, तो उनके परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Amazon किक स्टार्टर डील्स आर लाइव फ्रॉम 2nd of May टिल 3rd of May एंड Amazon समर सेल स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 4th of May टिल 8th of May। और अगर आप प्राइम मेंबर है तो आपको 4th of May 12 AM को अर्ली एक्सेस भी मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी इस क्यूट बीनी एंड नेक वार्मर के साथ। काफ़ी क्यूट है एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है एंड इसके अंदर ना ये फ्लीस मटेरियल है तो आपको काफ़ी गर्म रखेगा ये। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी बाय द वे। और इसके साथ ये जो नेक वार्मर मिलता है इसके अंदर भी फ्लीस है तो ये काफ़ी गर्म रखेगा। और इसके ऊपर इस तरीके के एक पॉम पॉम भी है विच लुक्स वेरी क्यूट, लेकिन ये ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लिम्सी है। एनीवेज मुझे ये अच्छा लगा। बाय द वे गाइस, ये शॉपिंग हॉल पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे। सो ऑल द गेस्ट वर्ड्स प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। नेक्स्ट मैंने ये वाला एक डेनिम लिया है, ये ब्लैक कलर का है। ये एक्चुअली कार्गो पैंट है जो कि लूज फिटेड कार्गो पैंट है। आजकल स्ट्रेट कट, लूज फिट, बॉयफ्रेंड जीन्स, मॉम जीन्स आर इन फैशन, तो मुझे ये कार्गो पैंट काफ़ी अच्छा लगा। लूज फिट है एकदम, साइड्स में आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे एंड ये 32 साइज मैंने मंगाया है। मेरा ओरिजिनल साइज है 30, लेकिन आपको एक साइज ज़्यादा मंगाना है अगर आपको ये लूज फिट वाला कुछ चाहिए आपको। ये एंकल लेंथ तक आता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट मैंने एक हाई नेक ऑर्डर किया है इन येलो कलर। एक्चुअली ना मुझे लगा था कि ये मस्टर्ड येलो कलर है जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है वो कलर, बट ये एकदम येलो, जो नॉर्मल येलो कलर है वैसा ही इसका कलर है, मस्टर्ड येलो कलर नहीं है, बट इट लुक्स नाइस। इसके ऊपर अगर आप ब्लैक जैकेट पहनोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट में आपको इस प्राइस में और भी अच्छे खासे हाई नेक्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा पतला है फॉर मिनिमम विंटर्स। नेक्स्ट मैंने क्रॉप टॉप मंगाया है एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये एकदम प्योर जो गंजी मटेरियल होता है ना वैसा है एंड इसमें स्लीव्स में, नेक में एंड नीचे वेस्ट पोर्शन में इस तरीके के डिज़ाइंस भी दी गई है विच लुक सुपर क्यूट। एंड लैवेंडर कलर आजकल ट्रेंड में है तो मुझे ये कलर भी काफ़ी प्रिटी लगा। नेक्स्ट मैंने एक अमेजन हॉल में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है इस प्रोडक्ट को। ये एक लेग वार्मर है, मतलब एक वार्म लेगिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था 2022 के विंटर्स में एंड इसके अंदर भी ये फ्लीस मटीरियल है, बिल्कुल वार्म्थ प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छा मटीरियल है, स्ट्रेचेबल है एंड बहुत ही अच्छा ये एकदम हग करके रखता है बॉडी को। मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी, सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस। नेक्स्ट अगेन एक जीन्स मैंने ऑर्डर की है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है एंड इट्स ऑफ नेवी ब्लू कलर। ये आपको शायद कैमरे में ब्लैक दिख सकता है बट ये नेवी ब्लू कलर में है। ये एंकल लेंथ तक है एंड एकदम टाइट जीन्स है, तो मुझे इस तरीके के टाइट फिटेड जीन्स अच्छे लगते हैं क्योंकि लूज शर्ट्स, लूज टी शर्ट्स के साथ ये अच्छे से पेयर होते हैं। इसका साइज है 30 एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है अमेजोन पे तो मैं इसके तरह ही कुछ जीन्स के ऑप्शंस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट जो मैं आउटफिट दिखाने जा रही हूँ, दैट्स माय फेवरेट आउटफिट फ्रॉम ऑल द शॉपिंग दैट आई हैव डन। और ये एक फैब एली विच इज़ अ वेरी गुड एंड एक्सपेंसिव ब्रांड, फैब एली की ये ड्रेस है एंड ये ब्राइट पिंक कलर में ये ड्रेस है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इसके डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रंट सेक्शन में नेक की डिटेलिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी है एंड स्लीव्स में भी इस तरीके के डिटेलिंग है। वेस्ट पोर्शन में इस तरीके से इलास्टिकेटेड वेस्ट है जिससे कि एक फिगर में ना काफ़ी अच्छा एक लुक आ रहा है एंड ये काफ़ी लॉन्ग लेंथ तक, मतलब मे
मेरे तो नी के नीचे तक इसका लेंथ आ रहा है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसेंट ड्रेस. मैंने फैब एली के एक और ड्रेस को ऑर्डर किया है बट वो अभी तक नहीं आया है. अगर इस वीडियो को पोस्ट करते करते वो मेरे घर पे डिलीवर हो जाता है तो डेफिनेटली मैं उसको भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी. दैट इज ऑल्सो वेरी क्यूट और वो मैक्सी ड्रेस है. सो मेरे आउटफिट्स तो खत्म हो चुके हैं लेकिन मैंने कुछ मिसलेनियस चीजें खरीदे हैं, जैसे ये बेल्ट इस तरीके के बॉक्स में आता है एंड ये कॉम्बो ऑफ टू है जिसमें आपको एक बेज कलर का बेल्ट मिलेगा और एक ब्लैक कलर का. बेल्ट्स आर वेरी मच एसेंशियल. नेक्स्ट मैंने कुछ शूज लिए हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ अमेजोन हॉल में शेयर किया था बट स्टिल ये जैसे कि मैं एक शॉपिंग हॉल प्रॉपर बना रही हूँ तो इसीलिए मैं अगेन इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ. और ये स्नीकर्स है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और मुझे ये वाला स्नीकर्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. नेक्स्ट मैंने गुड क्वालिटी जो रनिंग शूज़ होते हैं ना वो वाले शूज़ लिए हैं फ्रॉम रेड टेप एंड ये भी मैंने एक अमेजोन हॉल में शेयर किया था. दीज आर ऑल्सो वेरी गुड क्वालिटी और वाइट कलर में है. वाइट कलर के शूज़ एक ना एक तो मेरे पास हमेशा होगा ही. पिछले बार जब मैं दिल्ली गई थी उस टाइम भी मेरे पास एक वाइट कलर का शू था जो मैंने आप लोगों के साथ अमेजोन हॉल में ही शेयर किया था. लास्ट नॉट द लीस्ट मैंने ये वाला नाइका ब्रांड से साइकिलिंग शॉर्ट्स ऑर्डर किए हैं. ये साइकिलिंग शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है एंड आर अ वेरी गुड मटेरियल. ब्रीदेबल फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ड्रेसेस के नीचे पहनने के लिए या फिर स्कर्ट्स के नीचे पहनने के लिए, साड़ीज़ के नीचे इनफैक्ट पहनने के लिए. मैं हमेशा साड़ी के नीचे ना लेगिंग्स पहनती हूँ बट ये साइकिलिंग शॉर्ट्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी की है तो अब से तो मैं डेफिनेटली इसे और भी ज़्यादा कलर्स में ऑर्डर करूँगी, जैसे न्यूट कलर्स में, वाइट कलर में. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप मेरा ये शॉपिंग ऑल फॉर माई हनीमून वीडियो आप सबको अच्छा लगा. वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.